फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, अगर आप भी हिंदी 50 मार्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी 50 मार्क के जो आपका पद्य खंड है, जिसमें दोस्तों आपका 6 चैप्टर है, इस 6 चैप्टर के सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर्स का मिला करके जो है 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभी दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो कुछ जो है लंबा हो जाए, 18-20 मिनट का हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप जो है आप सभी जानते हैं कि आपका 2 खंड है, पद खंड और गद्य खंड। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जो है सबसे पहले पद खंड का, ये 6 चैप्टर का लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फिर जस्ट इसके बाद जो दोस्तों दूसरा वीडियो आपके लिए आएगा, जिसमें दोस्तों हम गद्य खंड के सभी चैप्टरों का दोस्तों जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है रिवीजन होगा, एक कंप्लीट रिवीजन। तो इसमें दोस्तों अभी आपका जो 150 क्वेश्चन रिवीजन होने वाला है ये सभी चैप्टर का, पद खंड के सभी चैप्टर का, तो वीडियो को अंत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एकदम कंप्लीट रिवीजन होगा। और यह इसको आप देख करके जाते तो 100% यहाँ से आपका दोस्तों कम से कम जो है यहाँ जो आपका 28 ऑब्जेक्टिव होगा उसमें दोस्तों आपको बता दें कि पूरा अगर आप कर लेते हैं तो बुक सा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत सी अधिक संख्या में यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका रहीम के दोहे पाठ जो हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो आपका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है फास्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कम समय में देख सके ये दोस्तों कोशिश किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दोहे शीर्षक किसकी रचना है। तो दोहे शीर्षक दोस्तों आपको बता दें कि रहीम की रचना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि रहीम का पूरा नाम क्या था। तो रहीम का पूरा नाम था दोस्तों अब्दुल रहीम खां खाने खाना, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 3 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम के पिता का नाम क्या था। तो रहीम के पिता का नाम दोस्तों आपको बता दें बैरम खां था, तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बदले आप लोग अगर कुछ जो है देना चाहते हैं तो इसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत फास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने रहीम को कहाँ की जागीरी दी थी। तो आपको बता दें कि 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यहाँ की यानी कि दोस्तों पाटन की, कहाँ की दोस्तों पाटन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम लिखित दोहावली में कितने दोहों का संग्रह है। तो यहाँ पर आपका 300 दोहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि रहीम के अनुसार भीख मांगना कैसा कार्य है। तो 6 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि दोस्तों अपमानजनक कार्य है, मतलब अपमानित होते हैं लोग उसके अंदर। नेक्स्ट 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो 7 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टोटल 11 रचना का उनका जो है साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि वर वय नयिका भेद की रचना, भेद की भाषा क्या, भाषा का ग्रंथ है, किस भाषा का ग्रंथ है ये आपको बताना है, वर वय नयिका भेद। तो यहाँ पर 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अवधि भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, नगर शोभा किस कवि की रचना है। नगर शोभा किस कवि की रचना है, तो 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि रहीम की है। नेक्स्ट आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, रहीम के दोहों की भाषा क्या थी। तो 10 का आपका सही आंसर होगा दोस्तों ये, यानी कि अवधि भाषा थी ये दोस्तों, इसीलिए आपको जो है कठिन लगता है, हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, अवधि है। नेक्स्ट 11 है कि कवि रहीम की पदवी क्या थी। कवि रहीम की पदवी जो है खान खाना का था, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 11 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बैरम खां की हत्या कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर जो 12 का ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कि पाटन में, कहाँ दोस्तों पाटन गुजरात का जगह है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, कवि रहीम का जन्म कब हुआ था।
तो 13 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है जो इसके बाद जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि धन के लिए हाय हाय करने वाले को रहीम ने क्या कहा है। तो धन के लिए हाय हाय करने वाले को रहीम ने दोस्तों यहाँ पर जो है पशु से भी अधम मतलब पशु से भी गया गुजरा बताया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोहावली और नगर शोभा किसकी रचना है, तो रहीम की रचना है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम किस काल के कवि है, तो 16 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि भक्ति काल के कवि, किस काल के दोस्तों, भक्ति काल के जो है रहीम कवि है। आपको दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखते चले, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बढ़ेगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रहीम किस युग के कवि हैं, तो 17 का जो दोस्तों आपने देखा कि ये ऑप्शन ही आपका जो है सही होगा, यानी कि मध्य युग के, अगर ऑप्शन में इस अनुसार से रहे तो, अगर मध्य युग नहीं रहे भक्ति युग रहे तो भक्ति युग, और नहीं तो मध्य युग रहे तो मध्य युग, अकबर का दरबारी थे आप समझ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम किस संस्कृति के कवि हैं, तो रहीम जो है वो दोस्तों आपको बता दें कि दरबारी संस्कृति है, और किसके दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे, याद रखेंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है, हिंदी के किस बड़े कवि ने रहीम की प्रशंसा की है, तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि तुलसीदास ने दोस्तों इनका प्रशंसा किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम की कृति नगर योजना में कितने दोहे हैं, रहीम की जो कृति है जिसका नाम है दोस्तों नगर योजना, उसमें कितना दोहा है, तो 21 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 142। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ, तो 22 का सही जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा, यानी कि लाहौर में हुआ था, जो कि दोस्तों अब पाकिस्तान के पास है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि फर्जी बन जाने पर टेढ़ी चाल कौन चलने लगता है, तो प्यादा, प्यादा दोस्तों आप याद रखेंगे कि शतरंज का गोटी होता है, जो फर्जी होने पर दोस्तों टेढ़ी चाल चलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है जीवन संदेश। क्या नाम है दोस्तों? जीवन संदेश। अब जीवन संदेश चैप्टर चालू करेंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी जल्द से जल्द, ताकि आगे का सभी जो सभी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर जो है दूसरा नंबर जो चैप्टर है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ हम लोग जो है देखना चालू करेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे कमेंट में लिखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ, तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है दोस्तों 1946 में हुआ, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ भी दोस्तों ए ऑप्शन ही आपका जो है सही होगा, यानी कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय लोक साहित्य का सर्वप्रथम संकलन एवं संपादन किसने किया, तो यहाँ पर दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है कि जीवन संदेश कविता राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना से उद्धृत है, मतलब किस रचना से लिया गया है, तो 4 का भी जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यानी कि पथिक से, किससे दोस्तों, पथिक से लिया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रही है कि कविता कौमुदी किसकी रचना है, तो कविता कौमुदी आप सभी जानते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का ही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीवन संदेश कविता का संदेश क्या है, जीवन संदेश कविता में क्या संदेश दिया गया है, तो 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कर्मशील रहने का, यानी कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के कवि थे, तो किस बोली के कवि थे, बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि खड़ी बोली, कौन सा बोली दोस्तों, खड़ी बोली आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है कि पथिक
काव्य की रचना किस साहित्यिक विधा में की गई है, किस साहित्यिक विधा में किया गया पथिक की रचना। तो आठ का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि नाटक है पथिक क्या दोस्तों, नाटक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान और विकसित प्राणी कौन है। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य से सबसे अधिक बुद्धिमान बलवान और विकसित प्राणी कोई दुनिया में है ही नहीं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि पथिक मिलन और स्वप्न किसकी रचना है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन रचना पथिक मिलन और स्वप्न आप याद रखेंगे सभी के सभी जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का ही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 है कि मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है। तो मनुष्य के जीवन में दोस्तों आपको बता दें कि जो दुष्ट है वो है दोस्तों निष्क्रियता, यानी कि काम नहीं करना ही दुष्ट है, होता है मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि धरती किसके समान है। तो धरती दोस्तों माता के समान है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जीवन संदेश में किसका उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, किस चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो 13 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रकृति की क्रियाशीलता का उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति की क्रियाशीलता के माध्यम से कवि ने किसको संदेश दिया है। तो कवि ने दोस्तों मानव को दिया है, मानव समाज को, तो मानव समाज को, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो है, और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो सके। हाँ, हम बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि मही का क्या अर्थ है, मही का अर्थ आपको बताना है। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि पक्षी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य पर किसका उपकार सर्वमान्य है। तो किसका उपकार सर्वमान्य है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि प्रकृति और धरती का सबसे अधिक उपकार होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के आंसू के रूप में कौन निरंतर बहती हैं। तो गंगा यमुना जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी के सभी जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी तरह आप जो है ध्यान से देखते रहिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, इसमें आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है चालू करते हैं फिर से, आपका जो है तीसरा चैप्टर है बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो बूढ़ा चांद दोस्तों आपको बता दें कि जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, युगवाणी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो युगवाणी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन को ये चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, चितंबरा जो उनका बुक निकला इसके लिए। तो 3 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो 4 का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि ग्राम्या किसकी कृति है। तो 5 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की कृति है ग्राम्या। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि युगांत के रचनाकार हैं। तो 6 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों युगांत के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत है। 7 नंबर है कि पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था। तो पल्लव जो दोस्तों उनका रचना है उसका प्रकाशन जो है 1928 में हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि भारतवासी दुखी हैं, इसका अर्थ है कि भारतवासी दुखी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि भारत माता ग्रामवासिनी किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है। तो 9 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम्या से, किसे दोस्तों, ग्राम्या से, गांव का ही चर्चा है इसमें भी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के
सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत आप याद रखेंगे, 10 का बी आपका बिल्कुल ही जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है भाई, तो आप लाइक तो कम से कम बनता है। एक छायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? तो छायावाद के दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। 12 नंबर, भारत की अधिकांश जनता कहाँ रहती है? तो गाँवों में रहती है, गाँव में रहती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया। बढ़ते हैं हम लोग आगे, चौथा जो चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिमालय का संदेश। तो हिमालय के संदेश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा जो है आज पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर चैप्टर का फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका ए आंसर से होगा, 1908 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय जिला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे? तो 3 का जो दोस्तों सही आंसर होगा इसके लिए बी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का संदेश के कवि कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फास्टली हम लोग जो है ये रिविजन वीडियो है, तो जितना डिस्कशन नहीं करना है, बस हमको क्वेश्चन अधिक से अधिक क्या करना है देखना, ये टारगेट है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है रामधारी, सॉरी पहले 5 देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 5 का जो दोस्तों सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि 1974 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दिनकर का जन्म स्थान जो है सिमरिया में है, तो आप जानते हैं कि सिमरिया मोकामा जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है? तो राष्ट्रकवि जो है दिनकर जी को ही बोला जाता है, तो बी ऑप्शन से होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस रूप में यहाँ के लोगों को राग मुक्त करता है? तो 8 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कल्पना के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? कल्पना के रूप में रागमुक्त का काम करती है। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछ रही है दिनकर के अलावा और किस एक हिंदी कवि के साथ राष्ट्रकवि की उपाधि जुड़ती है? तो 9 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के साथ, मैथिली शरण गुप्त के भी नाम में जो है राष्ट्रकवि जुड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 10 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, यानी कि उर्वशी पर, उर्वशी के रचना पर उनका जो है ज्ञानपीठ का पीठ पुरस्कार मिला था। 11 नंबर क्वेश्चन है दिनकर का संबंध हिंदी के किस धारा से है? तो 11 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि छायावादोत्तर धारा से है, छायावादोत्तर स्वच्छंद धारा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो बिहार विश्वविद्यालय याद रखिएगा दोस्तों, BRA, बिहार विश्वविद्यालय अभी भी फेमस है। जो भी मुजफ्फरपुर से होंगे, ये मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय है, मुजफ्फरपुर में है, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वृथा मतलब भारत का नाम किस कविता की पंक्ति है? तो सभी जानते हैं, यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि हिमालय का संदेश। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार भारत को कहाँ स्थापित होना चाहिए? तो 15 का जो दोस्तों सही आंसर होगा, 15 का सही आंसर हो दोस्तों आपका बी हो जाएगा, यानी कि मन में स्थापित होना चाहिए। कहाँ दोस्तों? मनो में होना चाहिए भारत। नेक्स्ट 16 है कि आत्मा उदय की भूमि क्या है?
16 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट है 17 नंबर, धाराओं को समाधान कहाँ मिलता है? तो धाराओं का समाधान संगम में मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो 17 का जो दोस्तों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, आगे हम ऊपर बढ़ा देते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन साधना के आदर्श कहाँ मिलते हैं? तो 18 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग को भूमि पर लाने वाला विचार का नाम क्या है? तो भारत है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। और लास्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत का वास्तविक स्वरूप कहाँ प्रकट होता है? तो 20 का जो दोस्तों बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही, यानी कि कर्मशीलता में। किसमें दोस्तों? कर्मशीलता। यहाँ है 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कौन सा देश है? तो भारत है, तो भारत यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम, अगले जो चैप्टर हैं आपका सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, बहुत ही फेमस है और बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है इसका कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बेतिया के पश्चिमी चंपारण में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, नेपाली जी ने मंदिर मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा किसे कहा है? तो यहाँ पर जो 3 का सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दोस्तों मन के भगवान को सबसे सुंदर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव को ईश्वर ने क्या क्या दिया है? तो 4 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञान, ध्यान, चेतना, साहस और सौंदर्य जो है दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अरमानों की कोई सीमा नहीं होती है? तो 5 का जो सी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मानव के अरमानों की कोई सीमा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गीत किसकी रचना है? तो 6 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली जी का रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता के एक संग्रह का नाम बताएं? तो 7 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि हिमालय ने पुकारा, हिमालय ने पुकारा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली का निधन कब कब हुआ था? यहाँ पे कन लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक, तो कब हुआ था यह बताना है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1963 ईस्वी आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली का निधन कहाँ हुआ था? तो 9 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि भागलपुर में उनका निधन यानी कि मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आगे है 10 नंबर, यदि संसार अपार महासागर है तो मानव क्या है? तो लघु जलयान है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन, सागर की ऊंची लहरों से अधिक सुंदर क्या है? तो सागर की ऊंची लहरों से जो अधिक सुंदर होती है वो जो है दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि चंचल जलयान, जलयान जो होता है वो कहीं ना कहीं सागर के लहरों से सुंदर लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कांटों की झाड़ी में किसका गान सुंदर प्रतीत लगता है? तो बुलबुल का गान, तो बुलबुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में रहने वाले मानव की तुलना कवि ने किससे की है? तो संसार में रहने वाले मानव का जो दोस्तों तुलना है, 13 का जो आपका ये ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि जलयान से, किससे? जलयान से किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर कविता में कवि ने किस पक्षी के गाने को अधिक सुंदर बताया है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बुलबुल को जो है अधिक बताया, बुलबुल का अच्छा गान होता है।
15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस देव को कवि मधुर बोलने वाला मानता है, तो मन के देवता को, तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मन के देवता मधुर बोलते हैं। लास्ट चैप्टर जीवन का झरना, तो जीवन के झरना को देख रहे हैं। ध्यान से आप लोग जो है क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे और लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा जो है फ़ायदा आपको मिल सके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका पूछ रही है जीवन का झरना के कवि कौन है, तो बी ऑप्शन से यानी आरसी प्रसाद सिंह है। दो नंबर क्वेश्चन है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका दो का जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो तीन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1911 बसंत संबत के अनुसार 1970 जो है याद रखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि आरसी प्रसाद सिंह किस कल के कवि थे, किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। चार का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोस्तों आधुनिक काल के कवि थे। नेक्स्ट पाँच नंबर है कि जीवन का झरना शीर्षक कविता में जीवन किसको कहा गया है, तो जीवन दोस्तों गति को कहा गया है। गति है तो जीवन है, गति नहीं है तो जीवन नहीं है। छः नंबर क्वेश्चन है कि जीवन किसका नाम है, तो यहाँ पर जो है चलते रहना ही दोस्तों जीवन है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सात है कि मस्ती किसकी पानी है, तो मस्ती दोस्तों जो यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है तो समझेंगे। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं हल्का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो बस एक सेकंड का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है तो अब लगभग ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीवन जो है जीवन का झरना शीर्षक कविता में जीवन किसको कहा गया है, तो गति को कहा गया है। छः नंबर क्वेश्चन है कि जीवन किसका नाम है, तो छः का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ए, यानी कि जो जीवन जो नाम है दोस्तों वो चलते रहना, यानी कि तालाब चलते रहना ही जीवन है। सात नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मस्ती किसकी पानी है, तो सात का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि निर्झर की मस्ती जो है पानी है। नेक्स्ट आठ नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आठ नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो आठ का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि आरसी प्रसाद सिंह का ये रचना है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं नौ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि आरसी प्रसाद सिंह की प्रथम कविता संग्रह कौन सी है, तो नौ का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कालपी। नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन है निर्झर और यौवन दोनों में कौन सी मुख्य समानताएँ हैं, तो 10 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ना ही दोनों में समानता है। 11 है जीवन और यौवन कविता संग्रह किसकी रचना है, तो आरसी प्रसाद सिंह का जी है, तो सी ऑप्शन आपका जो है 11 का बिल्कुल ही सी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि खोटा सिक्का किसकी संग्रह किसकी रचना है, खोटा सिक्का जो है कहानी का संग्रह है किसकी रचना है, तो आरसी प्रसाद सिंह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है, तो रुक जाना ही मर जाना है उनके अनुसार। 14 नंबर क्वेश्चन है जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है, तो यहाँ पर सोते रहना क्या हो जाएगा आपका, मृत्यु हो जाएगा, यानी कि 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो जो है दोस्तों 14 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन था ये ऑप्शन सही होगा, यानी स्थिरता, क्या दोस्तों स्थिरता जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थिर रहना ही मर जाना है। लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि जीवन के दो किनारे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सुख दुख दोनों का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके जस्ट बाद दोस्तों सेकंड पार्ट इसका आएगा, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है गद्य खंड का पूरा जो है चर्चा करेंगे, इसी तरह पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गद्य खंड वाला वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।